भी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ बहुत यहाँ पर देख पाता हूँ, तो इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ आपको मोबाइल का कैमरा द्वारा यहाँ पर हिंदी में हो गया देख पा रहे हो, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पर हिंदी हो चुका है। तो कैसे मैंने किया दोस्तों, अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरा से दोस्तों, आपको अगर इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल का कैमरा खोलना है और जहाँ भी इंग्लिश आपको लिखा हुआ नजर आएगा इंग्लिश के सामने आपको इस तरह से मोबाइल आपको ले जाना है। जैसे ले जाएगा तो ऑटोमेटिक वो हिंदी में हो जाएगा, चाहे कोई भी बात हो, यहाँ पर मैं और भी आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पर देख पाए तो बहुत सारे यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में लेकिन मैं इसको हिंदी में करके आपको दिखाता हूँ। आपको मोबाइल ले जाना, मोबाइल आपके कैमरा के सामने यहाँ पर इस तरह से आपको रख देना, रखने के बाद या तो मैथ के सर जितना भी लिखा हुआ तो सारा आपको यहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी एक कमाल का एप्लीकेशन है, तो कैसे इसको यूज़ करना है, कौन सा वो एप्लीकेशन सारा डिटेल बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। आप हमारे चैनल बनाया तो नीचे दिए गए लाभ ना दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना अपना प्ले स्टोर में, चलिए अपना प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको ऊपर में यहाँ पर लिखकर सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट, आपको यहाँ पर लिखकर सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर किसी गूगल लिखकर सर्च किया तो यहाँ पर देख पा रहे गूगल लिखकर मैंने सर्च किया, उसके बाद वो लिखकर सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। तो मैंने गूगल लिखकर सर्च किया, उसके बाद मैंने नीचे में आप देख पा रहे आपको यहाँ पर मिल रहा है गूगल ट्रांसलेट, यहाँ पर देख पा रहे आपको यहाँ पर मिल रहा है एप्लीकेशन गूगल ट्रांसलेट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको डाउनलोडिंग कर लेना है, गूगल का एप्लीकेशन है तो इसको आपको डाउनलोडिंग कर लेना। तो मैंने इसको डाउनलोडिंग कर लिया, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसमें आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं या किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन मांगा दोस्तों, यहाँ पर परमिशन यहाँ पर दे देनी है। तो मैंने यहाँ सारा परमिशन यहाँ पर दे दिया, देने के बाद तो क्या करना, आपको ऊपर में यहाँ पर ऑप्शन मिला इंग्लिश, आपको इंग्लिश पर क्लिक करना, तो इसको आपको इंग्लिश ही रहना था। जैसे कि आपको आप चाहते कि दोस्तों इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना, तो आपको ये इंग्लिश ही सेलेक्ट करना है, इसको इंग्लिश ही रहना देना। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला देख पा रहे, आपको बगल में ऑप्शन मिला, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको आप कौन भाषा में देखना चाहते हैं, यानी किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, आपको वो भाषा यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ आपको इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हिंदी आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हैं, आपको हिंदी यहाँ पर सर्च कर लेना, यहाँ पर आपको हिंदी, यहाँ पर देख पा रहे हिंदी, आपको हिंदी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर हिंदी होगा, तो उसके बाद बगल में आपको इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कैमरा का निशान मिला, आपको कैमरा का निशान पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपको यहाँ पर बहुत मिलेगा तो यहाँ पर आपको स्कैन करने के लिए आपको इस तरह से यहाँ पर ले जाना है। जैसे ले जाएगा तो पेपर में जो भी आपको इंग्लिश में लिखा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ आपको हिंदी में यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिला स्कैन, यहाँ पर देख पा रहे नीचे में आपको ऑप्शन मिला स्कैन, आपको स्कैन पर क्लिक करना है। उस पर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लाना, यहाँ भी इंग्लिश लिखा हो तो यहाँ पर लिया ना, लेने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आपको बीच में यहाँ पर कैमरा के निशान पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जो भी यहाँ पर लिखा होगा स्कैन करके आपको यहाँ पर हिंदी में पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा। पर इस तरह से होगा, इस तरह से होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ सी ऑल, आपको इस पर क्लिक करना है। ऐसे इस पर क्लिक किया तो आपको ऊपर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऊपर में आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या ही में लिखा हुआ इंग्लिश में, आपको हिंदी में यहाँ ऊपर में आपको मतलब यहाँ पर समझा दिया जाएगा, हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक किया तो आपको सारा यहाँ पर हिंदी में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से मतलब पर इस तरह से आपको ये भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद एक और ऑप्शन को मिलता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है इंपोर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने मतलब गैलरी में कोई भी फोटो रखेंगे तो फोटो में कैसे लिखा हुआ है तो आपको वही जाना चाहता है, वो भी आप यहाँ से फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप जान सकते हैं। उस बाद आप चाहते कि दोस्तों यहाँ पर लिख के आप समझते हैं तो उस बाद यहाँ पर कुछ भी आप लिख भी सकते हो, आपको ऊपर में ऑप्शन मिला है यहाँ तक पर टॉप टू एंटर, आपको इस पर क्लिक करना, क्लिक करके यहाँ पर लिख देना कुछ भी, मैं लिख देता डॉग, मैंने यहाँ पर मैं आपको डॉग लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पता मैंने डॉग लिखा, डॉग का मतलब यहाँ पर करना, उसके बाद लिखा हुआ डॉग, उसके बाद लिखा हुआ कुत्ता, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा बड़ी आसान तरीके से। जो भी अभी इंग्लिश में लिखिएगा आपको हिंदी में मतलब उसका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बड़ी आसान तरीके से दोस्तों। उस पर आपको ऑप्शन मिला कन्वर्टर, आपको इस पर क्लिक करना, जैसे क्लिक किया जो भी आपको यहाँ पर बोलिएगा तो आपको हिंदी में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ हाय तो यहाँ पर आपको देख पा रहे मैंने हाय बोला, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ नमस्ते, यानी कि हाय का मतलब नमस्ते होता, आपको जो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बड़ी आसान तरीके से। तो मैं यहाँ पर फिर से बैक करता हूँ, बैक करने के बाद आपको ऊपर में ऑप्शन मिला माइक का, यहाँ पर बोल कर भी कुछ भी यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी आपको इंग्लिश में बोलेगा तो वो हिंदी में यहाँ पर मतलब उसको समझ में आ जाएगा बड़ी आसान तरीके से। तो काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है, तो चाहे इसको डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हमारे वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे सब्सक्राइब इन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में।